हम बेबाक हैं पर मुंहफट हमें नहीं कह सकते हैं। हम बिंदास हैं पर अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं एहसास। मैं हूं नंदिता बसु। आज मैं अपनी नई नज्म लेकर आई हूं, अवेलेबल नहीं। थोड़ा अलग है, समझने की कोशिश करिएगा। हम बेबाक हैं पर मुंहफट हमें नहीं कह सकते हैं। हम बिंदास हैं पर अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। हमने लिखी है कई बातें, खोली हैं कई परतें। हमने लिखी है कई बातें, खोली हैं कई परतें। हम कई जिंदगियों को अपनी गजलों में कहते हैं। हमें पढ़ना बहुत आसान है, समझना बहुत सरल। हमें पढ़ना बहुत आसान है, समझना बहुत सरल। पर इस किताब को छूने की इजाजत हर किसी को नहीं देते हैं। पर इस किताब को छूने की इजाजत हर किसी को नहीं देते हैं। हम बेबाक हैं पर मुंहफट हमें नहीं कह सकते हैं। तुमने हमें हर जगह अपनी सुविधा से इस्तेमाल किया, कभी घूंघट में तो कभी बाजार में नीलाम किया। तुमने हमें हर जगह अपनी सुविधा से इस्तेमाल किया, कभी घूंघट में तो कभी बाजार में नीलाम किया। तुम्हारे बल से तुम्हारे जोर की धौंस दिखाई, तुम्हारे बल से तुम्हारे जोर की धौंस दिखाई। पुरुष प्रधान समाज में नारी ने आवाज कैसे उठाई? पुरुष प्रधान समाज में नारी ने आवाज कैसे उठाई? हिमाकत मत करना लक्ष्मण रेखा को पार करने की। हम सीता नहीं जो रावण के शक्लों को नहीं पहचानते हैं। हिमाकत मत करना लक्ष्मण रेखा को पार करने की। हम सीता नहीं जो रावण के शक्लों को नहीं पहचानते हैं। शायद इतिहास पढ़ा नहीं तुमने अच्छे से, या भूल गए हो अपनी सहूलियत से। तो याद करा दे लक्ष्मीबाई के स्वाभिमान को, कुछ तुम्हें भी सिखा दे नारी के सम्मान को। गलत फहमी उन सब की आज दूर कर देते हैं। गलत फहमी उन सब की आज दूर कर देते हैं। हाथ लगाओगे तो तोड़ने की हिम्मत हम रखते हैं। हाथ लगाओगे तो तोड़ने की हिम्मत हम रखते हैं। हम बेबाक हैं पर मुंहफट हमें नहीं कह सकते हैं। हम बिंदास हैं पर अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। कोई जरूरत नहीं देवी की पूजा करने की, हो सके तो इज्जत करना हर किसी के बेटे की। हाँ, हर कोई तुम्हारी माँ बहन नहीं हो सकती। हाँ, हर कोई तुम्हारी माँ बहन नहीं हो सकती, पर दूसरे की माँ बहन तुम्हारी जायदाद भी तो नहीं बन सकती। पर दूसरे की माँ बहन तुम्हारी जायदाद भी नहीं बन सकती। हम बेबाक हैं पर मुंहफट हमें नहीं कह सकते हैं। हम बिंदास हैं पर अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। हम बिंदास हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये नया तेवर, नया अंदाज पसंद आया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नया और खास लेकर। तब तक के लिए अलविदा।